पहले साइफर केस में अडियाला में पड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरगुरू किया, बाइज्जत बरी हुआ। आज 9 मई के झूठे केसेस में कोर्ट लखपत पड़ा हूं, तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं, जहां पड़ा था वहीं पड़ा हूं। इमरान खान के साथ था और इंशाअल्लाह रहूंगा। 24 तारीख को इमरान खान ने पूरी कौम को, वकला को, यूथ को, पार्टी को, लीडर्स को, वर्कर्स को दावत की है इजहार यकजहती के लिए और अपने हकूक की आवाज बुलंद करने के लिए। मेरी दरख्वास्त है तमाम लीडर्स, तमाम कारकुनान इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलें और इजहार यकजहती करें। पुरअमन रहें, कानून को हाथ में न हमने पहले लेना था न अब लेना है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है। और पहले साइफर केस में अडियाला में पड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरगुरू किया, बाइज्जत बरी हुआ। आज 9 मई के झूठे केसेस में कोर्ट लखपत पड़ा हूं, तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं, जहां पड़ा था वहीं पड़ा हूं। इमरान खान के साथ था और इंशाअल्लाह रहूंगा। 24 तारीख को इमरान खान ने पूरी कौम को, वकला को, यूथ को, पार्टी को, लीडर्स को, वर्कर्स को दावत की है इजहार यकजहती के लिए और अपने हकूक की आवाज बुलंद करने के लिए। मेरी दरख्वास्त है तमाम लीडर्स, तमाम कारकुनान इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलें और इजहार यकजहती करें। पुरअमन रहें, कानून को हाथ में न हमने पहले लेना था न अब लेना है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है। और पहले साइफर केस में अडियाला में पड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरगुरू किया, बाइज्जत बरी हुआ। आज 9 मई के झूठे केसेस में कोर्ट लखपत पड़ा हूं, तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं, जहां पड़ा था वहीं पड़ा हूं। इमरान खान के साथ था और इंशाअल्लाह रहूंगा। 24 तारीख को इमरान खान ने पूरी कौम को, वकला को, यूथ को, पार्टी को, लीडर्स को, वर्कर्स को दावत की है इजहार यकजहती के लिए और अपने हकूक की आवाज बुलंद करने के लिए। मेरी दरख्वास्त है तमाम लीडर्स, तमाम कारकुनान इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलें और इजहार यकजहती करें। पुरअमन रहें, कानून को हाथ में न हमने पहले लेना था न अब लेना है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है। और